हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार, IIT के वेबसाइट पे अभी मैं ऐसे चेक कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे कुछ दिखा, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा दिन पहले ही अपडेट दिया था, वहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन था कि आपका IIT का जो फर्स्ट राउंड एडमिशन अलॉटमेंट होने वाला था सीट का, दैट इज़ 13th of July को होने वाला था, ठीक है। बट अगर अभी आज अभी आप जाके चेक करोगे तो वहाँ पे जो डेट है लाइक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड का, वहाँ पे उन्होंने दिया है कि री अनाउंस का बोलो, या कि उन्होंने बस दिया है कि अनाउंस सून। अब बच्चों, मुझे नहीं पता कि डेट चेंज होगा या डेट वही है। अगर डेट वही होता तो उनको तो ऐसे, मतलब अभी तो डेट फिर अनाउंस करने की नीड तो थी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे IIT के वेबसाइट पे ऑलरेडी उन्होंने अपडेट कर दिया था। ये वीडियो बनाने का इतना सिर्फ आपको मैसेज देना था कि प्लीज़ बच्चों, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता, आप रेगुलरली IIT के वेबसाइट को चेक करते रहो, ठीक है। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं तो आपको दूंगा ही, बट आई गेस जो मुझे लगता है, ये अपडेट इसलिए इन्होंने किया है डेट में, आई गेस मुझे जो लगता है ना, इन्होंने, आप देखा होगा कि फर्स्ट राउंड का डेट इन्होंने 13th of July रखा था एंड सेकेंड राउंड का डेट इन्होंने 20th of July रखा था। तो बच्चों, मे भी इतना ज़्यादा गैप नहीं देना चाहते, इतना गैप होता भी नहीं है। लास्ट ईयर आप देखोगे तो 4 से 5 दिन का गैप होता था ईच राउंड में, तो आई थिंक वो चीज़ हो सकता है कि ये जो नंबर ऑफ डेज है उसको थोड़ा माइनस कर दें। आई थिंक वो बेटर भी होगा, ताकि अगर ज़्यादा राउंड होंगे तो भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी और सेशन भी टाइम से स्टार्ट होगा। मे भी ये पॉसिबिलिटी है, ये हो। बाकी और कोई भी अपडेट रहेगा मैं तो आपको दूंगा ही। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात और आपके साथ ही कर लेता हूँ यहीं पे मैं। देखो, काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि भैया, इन्होंने सिर्फ 3 डेट का ही अनाउंसमेंट किया है, तो क्या सिर्फ 3 ही राउंड हो गए? नहीं बच्चे, सुनो मेरी बात। लास्ट ईयर 2023 में, इवन उससे भी लास्ट ईयर 2022 में, ये हमेशा से पहले से सिर्फ ऑफिशियली 3 राउंड ही ये लोग अलॉटमेंट करते हैं। पहले डेट ऑफिशियली रिलीज करते हैं, फिर जैसे जैसे सीट मतलब लाइक रिमेनिंग होती जाती है, बचती जाती है, तो ये फिर क्या करते हैं, राउंड को एक्सटेंड करते जाते हैं। तो बच्चों, ये देखा गया है कि जब तक आपकी सारी सीट फिल नहीं हो जाती, तब तक आपका काउंसलिंग होगा। और फिर से मेरी बात सुन लो, जैसे 2022 में भी और 2023 में भी अराउंड बच्चों 8-9 राउंड काउंसलिंग के हुए हैं। तो अगर इस बार 8-9 राउंड नहीं होते तो भी ये समझना कि मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, कट ऑफ ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा, चाहे जितना राउंड हो, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे सोचते हैं भैया, अगर 3 ही राउंड हुआ तो क्या हमको सीट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सीट है, जब तक वो फुल नहीं हो जाता, आपका राउंड चलता रहेगा और ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चों को आइजर्स में फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, अगर इसके बारे में आपको इंटरेस्ट है, जानना है, आप पढ़ना चाहते हो, तो मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। काफ़ी बच्चों ने मेरे को रीच किया, मैंने उनको शेयर भी किया। और एक चीज़ और, अगर वो भी सारे बच्चे वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप स्पेशली चाहते हो कि भैया IIT IJS में एग्ज़ाम कैसा होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर सकता हूँ, बट तभी करूँगा जब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी। अगर जिसको भी चाहिए तो वो मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दे दूँगा, ठीक है। सो आई होप बच्चों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपकी ऑफिशियल काउंसलिंग हो जाएगी। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर।